जी राम कह रहा हूं। गुरु जी आए, गुरु जी की अरे प्रहलाद जी क्या कर दिया तू अकेला नारायण कहता राम का नाम लेते हैं जो सभी बालक एक उसे कर ले। एक बेत उठाया गुरु जी ने, प्रहलाद को पकड़ लो हाथ, दो चार तान कर मारे हैं सब देखे खड़ी बिचारी है। गुरु जी ने चार बेत प्रहलाद की पीठ में दे दी। प्रहलाद बोला गुरु जी जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक मैं प्रभु का नाम लेता रहूंगा। गुरु जी लगे हिरण कर सकते महाराज मैंने सब उपाय कर ले, ये दुश्मन का नाम लेना ये नहीं छोड़ता है, अब तुम ही जान लो। हिरण्यकश्यप ने कहा अरे प्रहलाद ऐसा मत करे। बोले पिताजी आप भी नाम लोगे तो आप भी तिर जाओगे और मुझे भी पढ़ाना है। सेवक बुलाए इधर आओ, इसे पहाड़ की चोटी पे ले जाओ फेंक दो नीचे खत्म हो जाएगा। दो सेवक आए पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, देख प्रहलाद अब भी तू राम का नाम लेना छोड़ दे नहीं नीचे ऊपर से गिराएंगे खत्म हो जाएगा। प्रहलाद ने कहा भले ही पहाड़ से गिरा दो पर मैं अपने प्रभु का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। पत्थर की शिला से प्रहलाद बांध दियो, ऊपर से प्रहलाद फेंका, भगवान ने दोनों बुझाएं कर और भक्त को गोदी में ले लिया। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। जा को राखी साईया मार सके ना कोई, बाल न फाका कर सके जो जग भैरी होए। प्रहलाद का बाल फाका भी नहीं हुआ। शिव कौन कह दिए महाराज वो तो बच गए हो। अब एक काम करो जहरीले सर्प बिच्छू लाऊं, जहरीले सर्प बिच्छुओं पे प्रहलाद को डाल दूं खत्म हो जाएगा, सर्प खा जाएंगे बिच्छू खा जाएंगे। बड़े बड़े सर्प बिच्छुओं को पकड़ के लाया गया, प्रहलाद को सर्प और बिच्छुओं के पास में ले गए। देखिए भगवान को भक्त को कृष्ण कथित कष्ट होते हैं। सर्प बिच्छुओं को लाया गया और कहा प्रहलाद अब भी तू राम का नाम लेना छोड़ दे, ये देख ये सांप और बिच्छुओं पे डालेंगे तू खत्म हो जाएगा। प्रहलाद ने क्या किया, मुझे इनका भी डर नहीं है पर मैं अपने प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगा। मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भोले बाबा ये तो तुम्हारे गहने हैं आभूषण है, मैं तुम्हारी विनती करता हूँ। तो सर्प तो बन गए गद्दा, बिच्छू बन गए तकिया, प्रहलाद सो गया, उन्होंने भी नहीं खाया। सेवकों ने निवेदन कर दिया महाराज सांप भी चुनते बचो। अब एक काम करो, क्या काल कोठरी में बंद कर दो, डबल ताले डाल दो जिसमें हवा नहीं लगे और भोजन देना बंद कर दो, एक दिन में दो दिन में खत्म हो जाएगा। काल कोठरी डबल ताले लगा दिए, पहरेदार खड़े हो गए, प्रहलाद को काल कोठरी में भीतर बंद कर दिया। 12 बजे दिन के बैकुंठ में लक्ष्मी जी थाली लेके आई भोजन की, भगवान के सामने भोजन की थाली, ये भगवान के आंखों से आंसुओं की, भगवान रोने लगे। लक्ष्मी ने कहा प्रभु क्यों रो रहे हो। लक्ष्मी मेरा भक्त भूखा है, मेरे नाम पर कितने कष्ट सहन कर रहा है और मैं भोजन कर लूं, इसी थाली को लेके वो काल कोठरी में जाओ, प्रहलाद को भोजन करो, तब मैं भोजन करूंगा। लक्ष्मी जी उसी थाली को लेके कहां पहुंचे, काल कोठरी में, और कहा प्रहलाद भोजन कर। भोजन की थाली लक्ष्मी ने मैया ने प्रहलाद के आगे रख दी और मैया अपने हाथ से प्रहलाद का भोजन करा रही है। प्रहलाद भोजन कर रहा है, जो दरवाजे पे सेवक खड़े थे द्वार पर उनको पता चल गया गजब हो ये भोजन कौन करा रहा। आवाज आई फोटो की चली गई, चूड़ियों की आवाज, भैया चूड़ी पहनी थी हाथों में,
आवाज आई, फाटक खोला, ताला खोला, देखा तो सोने की थाली है मैया जल्दी में भूल गई। द्वारपाल पहरेदार लेके गए, महाराज गजब हो गया, लक्ष्मी भोजन करेंगे, देखो ये सोने की थाली। तो अब एक काम करो, कड़ाह में तेल भर दो, कड़ाह में तेल भर दो, नीचे अग्नि जला दो, खोलते हुए कड़ाह में तेल में प्रहलाद को डाल देना, खत्म हो जाए। एक भक्त को कितने कष्ट दिए जाते हैं, पर सच्चा दृढ़ विश्वास है तो कोई भी चाल भक्त के ऊपर नहीं चल सकती है, कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। क्यों? भगवान ने स्वयं कहा है, तुलसी बाबा ने बताया, करहु तहां तिन की रखवारी, जो बालक पाले में ताजी। जैसे माँ बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान कड़ा में तेल भर दिया, अग्नि लगा दी, तेल खोल रहा है, प्रहलाद को ले आए इधर, पूजा खोलते तेल में डालेंगे, अब राम को नाम ले, वो बोलने कर दे। प्रहलाद ने कहा नहीं, बने डाल दो मुझे, पर मैं अपने प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगा। भगवान की झांकी व तेल में दिखाई दे गई, जैसे ही प्रहलाद को डाला, तेल तो गंगा जल बन गया, शीतल बन गया, तेल में भी नहीं जला। तो एक काम करो, कहा होलिका बुआ ले आओ, होलिका बुआ को बुलाया, होलिका प्रहलाद जला देगी, बोले हाँ भैया ये तो मेरे दाएं बाएं हाथ को कम अंबर चीर था, जिसमें कहीं जलाने की तैयारी करो। जलाने की तैयारी होने लगी, होलिका बैठ गई गोदी में, प्रहलाद ले ले, प्रहलाद गोदी में ले हो, और जैसे ही अग्नि लगाई, अग्नि लगती हवा ऐसी चली, वो चीर प्रहलाद ने उड़ ले हो, होलिका बुआ खाली लग गई, होलिका बुआ जलवे लगी, चीख मारने लगी, चिल्लाने लगी, जल गई, बचाओ, जल गई, चिल्लाने लगी, सब बोली प्रहलाद चले गए हो, सवेरे भयो होली कब जला दे फूलियों को, और धूरेड़ी कब, परिवार सबसे पहले धूर कोने उड़ाई, प्रहलाद ने उड़ाई, श्री राम जय राम जय बादनाती होली को त्योहार चलवाएगा। अब कहा कि ये तो बच गया, होली होली का जल गई, इधर में क्या किया, हिरण कश्यप ने लोहे का खम्मा गरम करा दो, खम्मे से चिपकांगे तब जल जाएगा। इधर में खम्मा गरम हो रहा है, और रात को गयो प्रहलाद कहा नगर में घूमे, भी एक नई बात मिल गई, कहां मिल गई, एक कुम्हारी हवा के चारों ओर घूम रही, वो आग दबक रही, भूलते बिल्ली के चार बच्चा दब गए, बड़े हुए। अब तो कुम्हारी चारों तरफ घूम रही, कुम्हारी करे पुकार रे, सीटी रे सुनो करतार रे, बिल्ली के दब गए हवा में, करता है दिल्ली के तमाम।
कुम्हारी चारों ओर घूम रही है, प्रहलाद पहुंच गए हो। मैया कैसी घूम रही है? अरे लाला बिल्ली की, अब तो देवता घूम रहे, अब जी कैसे साथ है? प्रहलाद थे कई भैया, प्रहलाद थी चलो जा। प्रहलाद गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रवणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। आप मेरे तो आप ही। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोदी में बैठा लिया, अपना पंजा प्रहलाद के सिर पे रख दियो। देखी भक्त की कैसी लाज रखी और कहा प्रहलाद घबरा जा, तू वरदान मांग ले, जो तू मांगेगा वही तुझे दूंगा। प्रहलाद ने कही प्रभु मेरे पिता को सदगति दे दो। भगवान हंसे, प्रहलाद जिसकी मृत्यु मेरे हाथ से हो और भाई सदगति नहीं मिलेगी। अरे मृत्यु तो मेरे हाथ से दूर ही, मरते वक्त मेरा नाम भी जो ले लेता है उसकी उसे मोक्ष मिल जाता है, उसे सदगति मिल जाती है। तब मेरे हाथ से जिसकी मृत्यु उसे सदगति होती है। भगवान ने वरदान दिया और भगवान ने अपना रूप शांत किया। यहाँ थोड़ा सा विराम, उसके बाद में गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन और वामन भगवान का चरित्र। बोलभक्तश्चल भगवान आसीत गर्वरो राजन त्रिकूटे इति विस्तृते शीरो देना व्रतम श्रीमान योजना युति मुक्षितः। त्रिकूट नाम का पर्वत है, वहां एक सुंदर सरोवर भरा हुआ था। उस पर्वत के ऊपर सुंदर तालाब था जिसके चारों तरफ सुंदर वृक्ष खड़े हुए थे। पक्षी जल पीते उन वृक्षों पे कलरव करते थे। गजराज भी उसी पर्वत पर रहता था। मैं परिवार के अकेला नहीं था, पत्नी भी साथ में थी, बच्चे भी साथ में। जैसे हम तुम सब गजराज हैं, सबके परिवार हैं। गजराज को लगी प्यास। अब देखिए गर्मी में पानी कहाँ मिलेगा? जहां पक्षी चहचहा रहे होंगे, पक्षी उड़ रहे होंगे, वहां पानी होगा। गजराज हथनी और बच्चियों के साथ में घूमता घूमता जल की सुगंध आई और उस तालाब के किनारे पहुंच गया। बोले वाह स्वादिष्ट जल भरा हुआ है, जलपान कर लो। तभी तो कहते हैं कि जैसी जस भवतव्यता तैसी मुलियताए आपन आवहि आपको ताए तहाले जाए। जहां घटना होनी होगी वो जगह अपने आप पहुंच जाएगा। कैसे? एक बार देवताओं की सभा हो रही थी, उस सभा में सब अपने अपने वाहनों पर बैठ के आ रहे, सब देवताओं की सभा इकट्ठी हुई, यमराज भी धर्मराज भी सब उसमें। तो यमराज आया भैंसा पर बैठ गए, एक कबूतर बैठा था पेड़ पे। यमराज की निगाह गई कबूतर पे, तो यमराज कबूतर को देख के हंसा, हंसी आई गई। कबूतर घबरा गया, यमराज का हंसना माने मौत का हंसना। कबूतर घबराया, भगवान आए गरुड़ पे बैठ गए। भगवान को तो कर दिया सभा में, गरुड़ की निगाह गई कबूतर पे। अरे भैया तू क्यों घबरा रहा है? क्या करूं पक्षी राज, यमराज मुझे देख के हंसाए, इसका मतलब ये कि मेरी मौत हंस रही है।
चल बैठ मेरी पीठ पे बैठ। पीठ पे बैठा, समुद्र से पार गरुड़ ले गया, कहाँ रख दिया? एक सर्प बैठा था मुंह फाड़े, सर्प के मुंह में दरिया, माने मौत में दरिया। गरुड़ लौट के वापिस, सभा पूरी हुई, गरुड़ ने यमराज से पूछा, यमराज तुम कबूतर है देख के काय को हंसे? क्या जवाब दिया यमराज ने? मैं हंसा इसलिए था कि इसकी मौत है समुद्र पार और जी बैठो है जे, आज विधि का विधान उल्टा नहीं हो जाए इसलिए ही। गरुड़ बोलो कबूतर तो मैं दरिया मौत के मुंह में। कभी कहते हैं कि जैसी इस भगत बिता तैसी मिली था, वो आप आवे आप बोलता है, वो अपने आप में पहुंच जाओ किसी न किसी बहाने से। वही कथा की ओर आते हैं, गजराज उस तालाब के किनारे आ गया, जब स्वादिष्ट ठंडा जल देखा, जल में अंदर चला गया, जल में अंदर गया, सूंड से जल पीने लगा, अपनी पीठ पे डालने लगा, बच्चे पी रहे हैं इतनी पी रहे हैं। उसी जल में ग्रह रहता था, मगर ग्रह माने मगर, उसी जल में रहता था। जब उसने पैरों की आवाज सुनी, झट सीधे गज का पैर पकड़ लिया। अब पानी में मगर की ताकत ज्यादा होती है, बाहर नहीं होगी, गज को खींचने लगा। बच्चों ने हथनियों ने मिलके खींची, ग्रह को भी खींचा, पर कोई भी नहीं खींच पाए। तो जब मौत आती है तब कोई साथ नहीं देता है, बच्चे भी छोड़ जाते हैं, पत्नी भी छोड़ जाती है, सिवाय परमात्मा का सहारा रहता है। अब खींचते खींचते अंदर ले गया, सूंड रह गई शेष। गजराज ने क्या कहा? कमल का पुष्प उखाड़ा, भगवान से प्रार्थना कर दी, हे प्रभु मेरी लाज बचाओ। यदि नाथ का नाम दयानिधि तो दया भी करे कभी न करे, यदि नाथ का नाम जंगल मोहनी है, जिस रूप की रंग
कौशल भगवान की जय हो। गजराज भगवान से तो कहा यदि नाथ का नाम दया दे तो दया भी करेंगे कभी न कभी, मेरी सूण मात्र शेष रह गई है प्रभु, यदि आज नहीं आई तो तुम्हें दीन बंधु दीनानाथ कोई नहीं कहेगा। हे प्रभु मुझे बचाओ, हे प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा करो। आप तो भक्त बक्षण हैं, आप दीन बंधु हैं, आप कृपालु हैं, आप भक्तों की लाज बचाने वाले हैं। जैसे ही पुकारा भगवान ने विचार किया मैं जाऊंगा तब तक तो ग्राज से अंदर ले जाएगा। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया, सुदर्शन चक्र आया, चक्र ने ग्रह का मस्तक काट दिया, गज को उभार दिया। ये अगले जन्म का गज कौन था, ग्रह कौन था? ये ग्रह भू नाम का गंधर्व था। इन्होंने मुनि का एक का पैर पकड़ लिया, जल में स्नान करते वक्त श्राप दे दिया तुम अगले जन्म में ग्रह बनोगे। और जी इंद्रधुम्न नाम का राजा था, सो ऋषि आए तो मदान में बैठा रहा, ऋषियों को देखने प्रणाम नहीं किया, ऋषियों ने श्राप दे दिया अगले जन्म में तू गज बन जाएगा, गज के हाथी की तरह से बैठा। इतना भी नहीं कि संतों को प्रणाम करना भी नहीं जानता, ये वही गज। भगवान ने गज का उद्धार किया, भक्त की लाज भगवान ऐसे ही बचाते हैं। तुमने महाराज परिषद ने कहा सुखदेव जी अब हमें समुद्र मंथन कैसे किया? बोले देवता देवतियों में रात्रि में झगड़ा होता रहता था। एक दिन भगवान गए देवराज के यहाँ स्वर्ग में, स्वागत किया, प्रभु आइए आसन दे दिया। देवराज हम तुम्हें एक सलाह बताते हैं, क्या कि रात दिन झगड़ा होता है समुद्र मंथन करो, समुद्र में अच्छी अच्छी वस्तुएं भरी उनका निकालो। पर कैसे निकलेंगी? मदराचल पर्वत की तो बनेगी रई, और बासुकी नाग की बनेगी नोटी, तब मंथन होगा। मैं कछुआ बन के आ जाऊंगा, पर्वत को मैं पीठ पे धारण कर लूंगा। पहले निकलेगा हलाहल विश्व, तुम पकड़ना पहले फन। तो देव दैत्य होते हैं उल्टे, फिर दैत्य पकड़ लेंगे फन, तुम पकड़ लेना पूछ। अब बता रहे हो फिर नहीं बता पाऊंगा, समझ लो मित्रता कर लो बलि से, बलि क्या जाओ। कहते हैं समय परे तो चाहे जिसको मित्र बना, जैसे चूहे ने सर्प रे पिटारी तेने आपस में बांट लेंगे। चलो ये तो अच्छी बात है, मित्रता है दैत्य और देवता। मदराचल पर्वत को लेके आए, समुद्र में डाला, डूबने लगा। भगवान कछुआ बन के आ गया, बोल कछुआ भगवान की, कछुआ बन के आ गया। और मदराचल पर्वत को पीठ पे धारण कर ले, समय के अनुसार भगवान रूप बना लेते हैं। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, भगवान कछुआ बन के आ गया, पर्वत को पीठ पे धर ले। अब देवता और दैत्य कहां गए, बासुकी नाग कहिया, बोले हे नाग देवता हमारे साथ चल। नाग देवता ने कहा कही कर के ले कि तुम्हारी न्योती बना गे मने गद्दे। कैसी कि बोली नाग देव कर जोरे, बोली नाग देव कर जोरे, बदन मति मेरो Oh,
समस्त श्री भगवान की जय हो। अपने समुद्र मंथन तो भगवान से प्रार्थना करते हैं देवता, हे प्रभु अब ऐसी बलाएं फिर नहीं आ जाए। एक बार विषा गया तो उसको तो भोलेनाथ ने ले लिया, दूसरी विपत्ति आ गई तो कोई लेने वाला भी नहीं है। हमारे ऊपर कृपा करना हे प्रभु, हम आपके सेवक हैं, हम आपके दास हैं, हम पर कृपा करना। श्री राम जय राम जय जय नहीं आ जाए। समुद्र मंथन करने लगे उसके बाद में कथा श्रवण कराओ। बोले एक बार देवराज इंद्रो ऐरावत पर बैठ के जा रहे थे,
प्रभु उस समय दुर्वासा ऋषि चले आए जिनके हाथ में माला थी फूलों की। देखा कि ये देवताओं का राजा है, इसे पहना दो, ऐसी मिट्टी को शरीर में लगा के स्नान कर, सावन नहीं मिट्टी, 12 दिन व्रत करें। कैसे व्रत? दूध पी के और कुछ नहीं सिवाय दूध के। 2 ब्राह्मणों को रोजाना खीर का भोजन, वो भी खीर कैसे, ये नहीं कहते दूध डाल दो चावल डाल दे त्याग दे जरा खीर, तसमयी खीर, तसमयी सब जानते, अब तो भी तसमयी बनी नहीं, पहले बनती थी, पुण्य होते पहले गावन में तो ससमई खीर ही बनती, खीर में शक्कर डाल दी, मेवा मिष्ठान डाल दिए और घी का बघार दे दिया देसी घी। ऐसे 2 ब्राह्मणों को रोजाना भोजन, व्रत करते समय भूमि पर सोना, दूध पीना, भगवान की द्वादशाक्षर मंत्र का जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र है। इसी करें फागुन के महीने में 12वें दिन उद्यापन करें, ज्यादा नहीं केवल 12वें दिन उद्यापन करें। तो कैसे करें? वेद पाठी सुपात्र ब्राह्मण को बुलावे, सज्जन वेद को जानने वाला, गायत्री मंत्र को जानने वाला, उस ब्राह्मण को बुलाए, उसके लिए पोशाक देवे, वस्त्र बर्तन देवे, खीर का भोजन करावे, दक्षिणा देवे, विसर्जन कर दे। ऐसे व्रत करोगी तो तुम्हारे गर्भ में भगवान स्वयं आएंगे। और वही किया अदिति ने, व्रत प्रारंभ किया। व्रत जब करने लगी, भादों का समय आया, भादों की द्वादशी को क्या कहते हैं? विजया द्वादशी। भादों में शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान की चतुर्भुज रूप से, जैसे मैया कौशल्या के यहाँ मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ चतुर्भुज में से जब मैया ने कही, जैसे कौशल्या ने कही नहीं, कौशल्या के कहते तुरंत भगवान बालक बन गए थे। सुन बचन सुजाना रोया आया, मन
बैठा बैठा और आराम से अच्छी तरह बैठा। ये छाता नहीं करते किसी को बन जाए, तुम पूजा करो भैया। अवरोधमयमदेवत्रयम्बकमन्वाजथानो ॐ ब्रह्मजगदारं प्रथमं गुरुस्ताय श्रीमतः सुरजोवीर आसमुन्या उपमा अस्य विषयाः सतस्य योनिं सतस्य विवाह ब्रह्मणे नमः सर्वोपदार्थे ब्रह्मणा Thank you.
मंदिर ये चली आए, ये ब्राह्मण ना नहीं, ये विष्णु है। जन्म जन्म का था, मेरे सर
तुम ही राम हो, तुम ही श्याम हो, हमने तुम्हें पहचान लिया। तुम ही राम हो, तुम ही श्याम हो, हमने तुम्हें पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, ओ हम साथ रहे जन्मों तक, ओ रख लो इतनी सी बात, देना हो तो ठाकुर जी का दरबार है, यहाँ से भी आगे कहा जाएगा। लिखी दरबार में लक्ष्मी आई
Are you?
मन में भाई घबरायो बलियाज हो समय आयो मन में भाई घबरायो बलियाज हो समय आयो मन में भारी घबरायो बलियाज हो समय आयो मन में भारी घबरायो कैसे घबरायो क्या बोला ये तो जादूगर नीला Thank you.
पार्वती पते हर हर महादेव। शंभू चलो चलो, चलो।